الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حضرت نے گناہوں سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں بھی ذکر فرمائی ہیں جن میں سے بدنگاہی کا گناہ ہونا بھی خاص طور سے بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں حضرت نے حدیث نمبر 21 تحریر فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں جو اردو میں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف حرام طریقے سے دیکھنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا غیر محرم عورت کی بلا ضرورت آواز سننا ہے زبان کا بھی زنا ہے اور اس کا زنا نامحرم عورت سے ناجائز گفتگو کرنا ہے اور پیر بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے اور دل کا زنا یہ ہے کہ وہ نامحرم عورت کی طرف مائل ہونا اور اس کی خواہش و تمنا کرنا ہے ان سارے اسباب کے پا جانے کے بعد شرمگاہ تصدیق کر کے یا تو زنا کر لیتی ہے یا تکذیب کر کے زنا سے بچ جاتی ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ جو اصل زنا سے پہلے کے اسباب ہیں
ना मेरा औरत को देखना या उसकी बातें सुनना या उससे बातें करना या उसके जिस्म को छूना या उसके पास चलकर जाना या दिल ही दिल में और तसव्वुर ही तसव्वुर में उससे लज्जत लेना वगैरह, ये बहुत ज़्यादा आम है। यहाँ तक के नमाजी और रोज़ा रखने वाले भी इसमें मुब्तला हैं, इल्ला माशाल्लाह। मर्द भी मुब्तला हैं, औरतें भी मुब्तला हैं, जवान भी मुब्तला हैं, बूढ़े भी मुब्तला हैं, शहरी भी मुब्तला हैं, देहात वाले भी मुब्तला हैं। वजह उसकी ये कि इस गुनाह के जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबब औरतों का बेपर्दा होना है। क्योंकि सारी दुनिया में मुसलमान औरतें अक्सर व बेशतर बेपर्दा हो गई हैं। देहात में भी कोई पर्दा नहीं है, बल्कि अक्सर वहां तो कोई पर्दा होता ही नहीं है। औरतें जिस तरह घर में काम करती हैं और घरों में कोई पर्दा नहीं, घर से बाहर भी खेतों में और बागात में औरतें बेपर्दा काम करती हैं, तो बेपर्दगी हद से ज्यादा आम है। उससे ज्यादा बेपर्दगी शहरों के अंदर है कि शहरों के अंदर भी अक्सर मुसलमान औरतें ऐसी काफिर औरतें बेपर्दा हैं, जिसकी वजह से गली भी गली, बाजार बाजार, हर जगह बेपर्दा औरतें आती हैं और जाती हैं। स्टोर नामेरम औरतों से और बेपर्दा औरतों से भरे हुए हैं, तफरी गाहें नामेरम औरतों के से भरी हुई हैं, बागात में बेपर्दा औरतें पाई जाती हैं, तकरीबात कभी तकरीबन यही हाल है, तो तकरीबात भी, तफरीहात भी, शॉपिंग सेंटर भी, बाजार भी, अस्पताल भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, गरज के जहां देखो वहां पर बेपर्दगी बेपर्दगी पाई जाती है, जिसकी वजह से ना मेरा मर्द ना मेरा औरतों को, ना मेरा औरतें ना मेरा मर्दों को गलत तरीके से देखने की वजह से इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में बेपर्दा औरतों का होना इस गुनाह की कसरत का सबब है और इस गुनाह में मुब्तला होने का बहुत बड़ा सबब है। दूसरी तरफ नामेरम औरतों की तस्वीर की कसरत है कि जहां नामेरम औरतें खुद नहीं हैं वहां उनकी तस्वीरें आम हैं और हद से ज्यादा आम है। घरों के अंदर भी नामेरम औरतों की तस्वीर आवेजा हैं, इल्ला माशाल्लाह। बाजारों में बेतहाशा पोस्टर नामेरम औरतों की तस्वीर पर मुश्तमिल होते हैं, खुदा ना खास तौर पर जहां कहीं ब्यूटी पार्लर हो तो वहां पर आरास्ता पेरास्ता नामेरम औरतों की तस्वीरें दूर तक लगी रहती हैं। जितने तिजारती मराकज हैं, दुकानें हैं, वहां जगह 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 नामेरम औरतों की तस्वीर और उनके मुजस्समे रखे हुए हैं, और जितनी मसनूआत हैं उनमें बेशतर औरतों की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है। गोया औरत क्या है, अपना माल बेचने का एक जरिया है, और ये यूरोप ने औरतों को आजादी देने का
एक सब्ज बाग दिखाया कि भाई औरत को आजाद होना चाहिए, ये झांसा देकर के उसने अपनी सारी तिजारत औरत से चमकाई। छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक अक्सर मसनुआत पर औरतों की तस्वीरें छपी हुई हैं। जब आदमी कोई चीज खरीदता है, कोई चीज बेचता है, तो पहले औरत की तस्वीर देखता है। यहां तक के कपड़ों पर भी, वस्त्रों पर भी औरतों की तस्वीरें हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, इनको भी अगर आदमी शहवत से देखे तो आंखों का गुनाह होता है। और ये तो वो तस्वीरें जो कि छपी हुई हैं, या दीवारों पर बनी हुई हैं, या पोस्टरों पर बनी हुई हैं, या मसनुआत पर छपी हुई हैं। दूसरी तरफ टीवी के अंदर देखो, टीवी जो है वो जानदार की तस्वीर पर ही मुश्तमिल है। उसमें नामेरम मर्दों की भी तस्वीरें हैं जो नामेरम औरतें देखती हैं, नामेरम औरतों की तस्वीरें जो नामेरम मर्द भी देखते हैं। सबसे जो मामूली प्रोग्राम समझा जाता है वो खबरनामा है। खबरनामे के अंदर भी बेशतर औरतें ही होती जो खबरें सुनाने वाली होती। आदमी खबरें कम सुनता है, औरतों को ज्यादा देखता है। उसमें भी तिजारती इश्तिहार जितने होते हैं, बेशतर उसमें कोई ना कोई औरत होती। और टीवी को देखने का मकसद ही दरअसल तस्वीर देखना होता है, वरना तो खबरें सुनने का मकसद तो रेडियो से भी हासिल हो सकता है। लेकिन अब रेडियो की कोई हकीकत ही नहीं, कोई हैसियत नहीं है, उसको कोई अब इस्तेमाल भी नहीं करता इल्ला माशाल्लाह। अब ज्यादा इस्तेमाल घरों में भी और दूसरी जगहों में भी टीवी का है। यहां तक कि मरीज बिस्तर पे मर रहा है और जनाब उसके सामने टीवी रखा हुआ है, टीवी देख देख के मर रहा है। अस्पतालों में भी अभी मुसीबत आ गई कि वो अस्पताल जो इबरत गाह है, जहां आदमी बार दफा मौत और हयाती कश्मकश में मुबतला होता है, बीमारी इसलिए आई है ताकि अल्लाह ताला से रुजू हो, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगे, हो सकता है मर जाए, हो सकता है बच जाए। तो वहां मरीजों के वास्ते भी जहां इंतजार का है वहां भी टीवी रखा हुआ है, और जहां मरीज पड़ा हुआ है वहां पर भी टीवी लगा हुआ। तो टीवी इतना आम हो गया है कि स्टेशनों पर मौजूद है, बस स्टॉपों पर मौजूद है, जहाजों के अंदर मौजूद है, गाड़ियों के अंदर मौजूद है, इंतजारगाहों के अंदर मौजूद है, अस्पतालों के अंदर मौजूद है, तालीम गाहों के अंदर मौजूद है, और उसके ऊपर औरतों की तस्वीर है। और इन सब जगह आदमी चाहे तो इस गुनाह को करे और चाहे अपने आप को इस गुनाह से बचा ले। लेकिन इस कदर कसरत से ये चीजें हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं कि अगर ये कहा जाए कि बदनिगाही का और दीगर गुनाहों का सैलाब है तो ये शायद मुबालगा ना हो। और फिर उससे आगे बढ़ करके इंटरनेट की लानत है कि इंटरनेट बजाते खुद तो एक इत्तला का जरिया है, इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह इत्तला आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए इंटरनेट पर अच्छे प्रोग्राम भी नशर होते हैं और नाजायज प्रोग्राम भी नशर होते हैं। उसमें नामेरम औरतों की तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं और मर्दों की तस्वीरें भी उसके अंदर हैं। तो जायज प्रोग्राम जायज, नाजायज प्रोग्राम नाजायज, औरतों की तस्वीर उसमें देखना भी नाजायज। तो इंटरनेट की वजह से मोबाइल तक में ये खराबी आ गई है। और चूंकि इंटरनेट पर भी और टीवी पर भी फिल्में भी नशर होती हैं, और काफिरों की फिल्में खास तौर से बहुत ही फहश और नंगी सूरतों पर मुश्तमिल होती हैं,
उसका नतीजा ये है कि बहुत से मुसलमान बस जैसे टीवी पर फिल्में देखते हैं, इंटरनेट पर ही फिल्में देखते हैं, वो मोबाइल में भी देखते हैं। हज करने जा रहे हैं, उमरा करने जा रहे हैं और जहाज में फिल्में देख रहे हैं, नाच और डांस देख रहे हैं, और फिर हरिमंदिर शरीफ़ में भी ये नवसत मौजूद है कि वहां भी होटलों के अंदर टीवी मौजूद है। अब चाहे तो उसमें खाने काबा की ज़ियारत कर लो और चाहे इंडिया की नंगी फिल्म देख लो। तो बाज मुसलमान जो हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, वहां पे तवाफ भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, होटल में जाकर के फिल्म देख रहे हैं। तो इंटरनेट की वजह से भी ये आंखों का जीना, कानों का जीना, पैरों का जीना आम है। इस तरह से पूरी दुनिया जो है ये इस गुनाह में मुब्तला है, इल्ला माशाल्लाह। तो ये इतने कसरत से गुनाह इस दुनिया में हो रहा है, और चूंकि इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, इस वजह से बाद नेक और दीनदार लोग भी इसमें मुब्तला है। लेकिन किसी गुनाह न समझने से इसका गुनाह होना खत्म नहीं हो सकता, या इस गुनाह के इस कदर आम हो जाने की वजह से भी इसका गुनाह होना खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा शदीद हो जाएगा। क्योंकि जब गुनाह सगीरा को अगर आदमी मामूली समझे, या गुनाह सगीरा में गुनाह सगीरा के करने का आदि हो जाए, तो वो भी कबीरा बन जाता है। इसलिए अब चूंकि बदनिगाही को गुनाह नहीं समझा जाता, इस वजह से ये और भी ज्यादा शदीद हो गया। इस तरह से ये गुनाह बहुत ज्यादा आम हो गया है। जब बहुत ज्यादा आम हो गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस गुनाह से बचना जरूरी है। और हकीकत में तो यह है कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह से बचने के लिए कुरान शरीफ में जो हुक्म दे दिया है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसको जिना का जरिया बयान फरमा दिया है, हमारे बचने के लिए काफी है। हदीस शरीफ अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, और कुरान शरीफ की आयत भी मैं पहले सुना चुका हूं कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह से बचने के लिए बाकायदा मर्दों को अलग हुक्म दिया है, औरतों को अलग हुक्म दिया है। मर्दों को तो ये हुक्म दिया कि कुल मोमिनीन यगुग़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ए पैगंबर आप फरमा दीजिए ईमानदारों से कि अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिना से ही बचें, असबाब जिना से भी बचें, जिसमें बदनिगाही भी है, बिला वजह किसी नामहरम औरत से बातचीत करना भी है, उसकी गुफ्तगू सुनना भी है, उसके बदन को छूना भी है, उससे मिलने के लिए उसके पास जाना भी है, उसके पास बैठना भी है, ये सब असबाब जिना है। तो नजर को भी नीचे रखें और दीगर असबाब से भी बचें, और अपनी शर्मगाह की भी असल जिना से हिफाजत करें। और मुसलमान औरतों को अलग से हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनारी यग़ुग़ना मिन अबसारिहिन, ऐ पैगंबर आप मुसलमान ख़वातीन से फरमा दीजिए कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि बदकारी न होने पाए, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ेब व ज़ीनत को छुपा कर रखें। उनको पर्दे का भी हुक्म दिया, मर्दों को सिर्फ नजर बचाने का हुक्म दिया है, औरतों को नजर भी बचाने का हुक्म दिया है, साथ साथ अपनी ज़ेब व ज़ीनत को भी छुपाने का और शर्मगाह को महफूज रखने का हुक्म दिया है। क्योंकि उनका बेपर्दा होना भी इस गुनाह में मुब्तला होने का जरिया है, और जब भी गुनाह होता है उनकी बेपर्दगी की वजह से होता है।
अगर सिर्फ इसी एक हुक्म पर मुसलमान मर्द और औरतें अमल कर लेती कि मुसलमान औरतें शरी पर्दे अख्तियार कर लेती हैं, अपनी नज़र की हिफाजत कर लेती, घर में भी, घर से बाहर भी, शहर में भी, देहात में भी, हर जगह, और मर्द हजरात अपनी नज़रों को नीची रखते, तो न नज़र का गुनाह हो सकता है, न दिल का गुनाह हो सकता है, न हाथ का गुनाह हो सकता है, न बोलने का, न सुनने का। जिना और असबाब जिना दोनों से बचना आसान। इस पर मुझे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या याद आया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबा किराम में से, और हुजूर ने उन्हें अमीनु हाज़िहिल उम्मा का लक़ब अता फरमाया कि इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में उनको मुल्क शाम का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था, और मुल्क शाम का इलाका और मुल्क उस जमाने में सोने की चिड़िया था और बहुत वसीओ अरीज था। आजकल उस पर तीन मुल्क हैं, आजकल उस इलाके में तीन मुल्क हैं, चार मुल्क हैं, चौथे का नाम मुझे याद नहीं है। एक शाम, एक उर्दुन, तीसरे फलस्तीन, ये सब शाम के अंदर है। इस वक्त चार मुल्क हैं इस इलाके पर। इस पूरे इलाके के गवर्नर हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और ये बड़ा हमेशा ज़रख़ेज़ इलाका है, इसलिए मैंने सोने की चिड़िया उसको बताया आपको। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चूंकि इसका बेशतर हिस्सा फतह किया था, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको वहां का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस उम्मत के हकीम हैं। वो सहाबा कराम को जहाँ जहाँ मुकर्रर करते थे उनके अहवाल पर भी नज़र रखते थे, और उनमें कोई काबिल इस्लाह बात देखते तो मुतनब्बी फरमा दिया करते थे। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले गए ताकि देखें कि वहाँ इस हमारे गवर्नर की कारकर्दगी कैसी है और यहाँ का नज़्म व ज़ब्त कैसा है, यहाँ के हालात कैसे हैं, वहीं उन्होंने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल भी देखना चाहा कि भाई इतने मालदार मुल्क के और इलाके के गवर्नर हैं तो इनके रहने की जगह कैसी होगी, कहीं ऐसा होता नहीं कि इन्हें दुनिया की हवा लग गई हो। इसलिए उन्होंने एक दो मौके पर फरमाया हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मैं अपने भाई का घर देखना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत मेरा घर देखकर क्या करेंगे सिवाय आँखें निचोड़ने के, वहाँ क्या मिलेगा आपको? फरमाया नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। एक दो मरतबा अर्ज किया, वो कामों की मसरूफियत की वजह से और इस वजह से कि मेरे घर में है तो कुछ नहीं, क्या दिखाऊंगा, क्या देखेंगे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की दिखाने की। जब दो तीन मरतबा हजरत ने फरमाइश की तो उन्होंने कहा चलिए देख लेते हैं, आइए मेरे घर, मेरा गरीब खाना देख लीजिए। अब दमिश्क दारुल खिलाफा था उस जमाने में, जो माल और दौलत और जेब दुनिया की जेब व जीनत से आरास्ता था, मकानात महलात चारों तरफ फैले हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आगे ताकि हज़रत को कोई तकलीफ ना हो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पे तशरीफ ले आए। ये भी अदब याद रखने का है भाई। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन,
खलीफत المسلمین حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے نہیں چلے تاکہ آپ کو گھر پہنچنے میں تکلیف نہ ہو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو گھر لے جاتے ہیں تو گھر والا پیچھے پیچھے چلتا ہے, مہمان کو آگے آگے لے کے چلتا ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے کدھر چلوں بھائی, کدھر چلوں بھائی, گھر کدھر کو ہے. ارے بھائی ایسی بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی آگے آگے چلو. ادب یہ ہے کہ مہمان کو راحت ہو, نہ یہ کہ اس کو ستاؤ تکلیف دو. مگر ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے, ہم نے تکلیف پہنچانے کا نام راحت رکھا ہوا ہے, راحت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. خیر حضرت ابو عبیدہ آگے آگے چل رہے ہیں, حضرت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, پورا شہر حضرت نے پار کر لیا. پوچھ رہے ہیں حضرت کہ بھائی گھر کہاں ہے, کہاں آگے ہے. اب جناب شہر کے باہر بھی آ گئے, اب آبادی ختم ہونے لگی, تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کہاں ہے تمہارا گھر بھائی. کہا حضرت تھوڑی دور ہی ہے بس. آگے جا کر کے جنگل میں جہاں کھجوروں کے درخت تھے وہاں ایک جھنڈ میں لے گئے, جہاں ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا جھونپڑا بنا ہوا تھا. وہاں دروازے پہ جا کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اندر ڈال کر کے کنڈی کھولی, کیونکہ وہ ہاتھ کی کنڈی لگی ہوئی تھی. کھولی اور دروازہ کھولا, حضرت تشریف لے آئیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس جھونپڑے میں تشریف لے گئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو کوئی اسباب راحت گھر کے اندر موجود نہیں, بس ایک جانماز بچھی ہوئی ہے اور ایک مٹکا ہے, اس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ الٹا کر کے رکھا ہوا ہے. گھر کی کل کائنات بس یہ ہے, نہ کوئی بستر, نہ کوئی چھرپائی, نہ کوئی برتن, نہ کوئی اور راحت کا سامان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. پوچھا ابو عبیدہ تم یہاں رہتے ہو؟ کہ جی حضرت میں تو یہیں رہتا ہوں. کھاتے کہاں سے ہو, کھانا پینا کیا تمہارا نظم ہے؟ کہ حضرت میرے قریب میں ایک نیک خاتون رہتی ہیں, وہ مجھے اکٹھی ہفتے بھر کی چار پانچ روٹیاں پکا دیتی ہیں, وہ میں اس مچان پر جو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پھیلا دیتا ہوں تاکہ خراب نہ ہو. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں وہاں سے ایک روٹی توڑتا ہوں, اور یہ جو پیالہ رکھا ہے اس میں پانی لے کر اور نمک گھول کر کے روٹی بیچ میں بھگو دیتا ہوں, جب وہ نرم ہو جاتی ہے بس کھا لیتا ہوں, پھر اوپر سے وہی پانی پی لیتا ہوں. اسی بستر, اسی جان نماز پہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں, اسی پہ میں سو جاتا ہوں. بس یہ ہے میرے گھر کی تو یہی حالت ہے. جی دیکھ کر تمہارا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ختم اس میں اس طرح سے رہتا. اور واقعی یہ ہے ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دیگر صحابہ کرام کو دنیا کی ہوا لگی, لیکن تم ویسے ہی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے. یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے اس امت کا امین کا لقب عطا فرمایا, کہ دنیا میں تھے مگر دنیا ان کو دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی. ان کو بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں, اس کا مزداق تھے. یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا یہ واقعہ جو میں آگے سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب شام فتح کر رہے تھے تو عیسائیوں کے ایک شہر پر حملہ کیا, اور وہ لوگ شہر کے دروازے بند کر کے اور قلعہ بند ہو کر کے حضرت سے لڑ رہے تھے. آپ نے اس پورے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اس شہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور دشمن قلعہ بند ہو گیا تھا, اور محاصرہ کافی طویل ہو گیا. اس دوران دشمن نے ایک اور چال چلی, دشمن نے ایک اور چال چلی, اور وہ یہ کہ حضرت کو چپکے سے یہ پیغام دیا کہ ہم کل اپنے شہر کا دروازہ کھولنے والے ہیں, آپ اندر آ جائیں اپنے لشکر کو لے کر کے.
بالکل خلاف توقع یہ خبر حضرت کو ملی. ادھر تو حضرت کو یہ پیغام ملا, ادھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, وہ یہ کہ ہم شہر کا وہ دروازہ کھولیں گے جو شہر کے بازار کے درمیان سے گزرتا ہے اور محل تک پہنچتا ہے, جس میں دونوں طرف شاندار دکانیں ہیں, مال و دولت سے بھری ہوئی ہیں, آراستہ پیراستہ ہیں اور خوبصورت خوبصورت دکانیں ہیں, ہر قسم کی ضرورت زندگی سے بھری ہوئی ہیں, اور ساتھ ہی یہ منصوبہ بنایا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عورتوں کو آراستہ پیراستہ کر کے دکانوں پر بٹھا دیں, دکان پر کوئی مرد نہ ہو, بس عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوں, اور ان عورتوں کو یہ تلقین کر دی کہ اگر مجاہدین اندر آئیں اور تم سے کچھ بات چیت کریں تو تم کر لینا, اشارہ تھا بدکاری کی طرف. اور یہ منصوبہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ یہ کئی مہینے ہو گئے ان کو یہاں پر آئے ہوئے اور لڑتے ہوئے اور ہمارا علاقہ فتح کرتے ہوئے, تو یہ اپنے وطن سے دور ہیں, اپنے گھروں سے دور ہیں, اور یہ عرب کے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, اب ان سب کو اپنے گھر یاد آ رہے ہوں گے, گھر کی یاد ان کو ستا رہی ہوگی, تو یہاں آ کر کے وہ جب دیکھیں گے کہ بھئی ہر طرف یہ عورتیں بیٹھی ہیں تو یہ ان کی طرف لپکیں گے, یہ ادھر لپکیں گے, ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے. یہ چال تھی اس کی اور یہ منصوبہ تھا اور ناپاک منصوبہ اس نے بنایا. لیکن یہ تو صحابہ کرام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر جان فدا کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں میں شامل فرماتے. تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ کل ہم قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں, آپ اپنے لشکر کے ساتھ آ جائیں, قلعہ آپ کے حوالے, شہر آپ کے حوالے, تو آپ نے اس خبر کو سن کر کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو بھی کل شہر میں داخل ہوں گے, تو اس آیت کو خاص طور سے پیش نظر رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے داخل ہونا. من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی طرف متوجہ فرما دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور اس کے بعد پھر جیسے یہ قلعے کے پاس پہنچے دروازہ کھول دیا انہوں نے, اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو لے کر کے اندر داخل ہو گئے, اور لشکر میں جو صحابہ اور تابعین تھے کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ دکان کہاں ہے, کیا ہے اور اس میں کون بیٹھا ہے. سب اپنی نظر نیچی کرتے ہوئے بازار کے بیچ و بیچ, شہر کے بیچ و بیچ داخل ہوئے اور سیدھے محل پہ جا کے قبضہ کر لیا اور شہر فتح ہو گیا. جب شہر والوں نے ان کی یہ پاک دامنی دیکھی, یہ عفت اور بدنگاہ سے بچنے کا حال دیکھا, تو ان کے دل پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوا اور کہا کہ بھئی یہ لوگ تو واقعی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, یہ تو خدا رسیدہ ہے یہ سب. چنانچہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے اکثر شہر والوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اسلام لیا, مسلمان ہو گئے تھے. تو اصل فتح یہ ہے. آج ہم دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیچے گرے ہوئے ہیں. اب کافر کہتے ہیں تمہارے قرآن و حدیث کو پڑھو تو اعلیٰ درجے کی تعلیم, جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں, اب تمہیں دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو. تو آج ہم نے اپنے بد عملی کی وجہ سے بھی ہم نے اپنے دین کو بدنام کیا ہوا ہے.
सहाबा कराम के इस एक हुक्म पर अमल करने की बरकत से शहर फतह हो गया। तलवारों से और तीरों से तो फतह ना हुआ, नजर नीचे करने से फतह हो गया। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा वाक्य जो मिसवाक के मुताल्लिक है वो भी सुना दूं कि असल फतह अमल से होती है, क्योंकि नेक अमल पर अल्लाह ताला की मदद का वादा है, अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और फतह होती है। ये भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का वाक़ है कि किसी इलाके पर मुसलमानों का लश्कर दुश्मन से लड़ रहा था लेकिन फतह नहीं हो रही थी, और एक महीना गुजर गया। जब एक महीना गुजर गया और किसी तरह फतह हो न हो तो अमीर लश्कर ने खत लिखा है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में और अर्ज किया, या हजरत हम यहाँ इस जगह पर हैं, दुश्मन से हमारा मुकाबला है, एक महीना हो गया है मगर फतह ही नहीं हो रही, मालूम नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है, क्या कोताही हो रही है कि कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे, दुश्मन सामने डटा हुआ है, ये सूरत हाल है। था तो रज़ियल्लाहु ताला हकीम थे ना, सुभान ने फौरन पहचान गए, फरमाया ऐसा मालूम होता है कि कोई सुन्नत छूट गई है इसलिए फतह में ताखिर हो रही है। जब मेरा खत पहुंचे तो आप लश्कर के मुजाहिदीन को जमा करके मेरा खत पढ़ के सुना देना, सब गौर करना कि कौन सी सुन्नत छूट गई है। अब जैसे ही हजरत का जवाब पहुंचा तो अमीर लश्कर ने सारे मुजाहिदीन को जमा किया और जमा करके उनके सामने हजरत का खत पढ़ के सुना दिया। हजरत खत पढ़ते सब गर्दन झुका लिया, सोचने लगे कि हमारी को हमसे कौन सी सुन्नत रह गई है। जब बहुत गौर किया तो अंदाजा हुआ कि मिसवाक की सुन्नत छूट गई है, इसलिए कि वो सफर में दस्तियाब नहीं, जो साथ लाए थे वो खत्म हो गई। इसकी वजह से अब ये सुन्नत मतरूक हो गई है। तो अमीर लश्कर ने कहा कि भाई अब कुछ भी हो सबसे पहले इस सुन्नत को जिंदा करो, लिहाजा अमीर का हुक्म सुनते ही सब के सब दरख्तों पे चढ़ गए और दरख्तों पे चढ़कर वहीं ताजा ताजा नीम की टहनियां तोड़ तोड़ के वहीं बैठ के मिसवाक करनी शुरू कर दी ताकि मुंह साफ हो और सुन्नत जिंदा हो और सुन्नत पर अमल हो। दुश्मन तो दुश्मन की पल पल की खबर रखता है, वो दुश्मन जो दूर था उसने इनको देखा कि सब दरख्त पर चढ़े हुए हैं और मिसवाक कर रहे हैं तो समझिए दांत तेज कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हमें कच्चा खाएंगे, अब हमारी खैर नहीं, बस अब ये दांत तेज करके उतरे और फिर हमारी टिक्का बोटी करेंगे। ओह, ये ख्याल आते ही उनका पित्ता पानी हो गया और खौफ के मारे उनका बुरा हाल हो गया, दुम दबा के भाग दिए। ये अभी दरख्तों पर बैठे मिसवाकी कर रहे थे कि फतह हो गई। देखो हमने तो हजारों सुन्नतें छोड़ रखी, हमारा तो वजू भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इस्तंजा भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नमाज भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, खाना पीना भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सोना जागना भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मस्जिद में आना जाना भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इल्ला माशाल्लाह। तो फिर हमारी हैसियत ही क्या है? फिर तो यही होना चाहिए ना जो हो रहा है कि दिन रात हम गुनाहों में डूबे हुए और दुश्मन हम पर मुसल्लत है और वो हर तरह से हमें जलील कर रहा है, खौर कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, हलाक कर रहा है, मगर हमारे अंदर कुछ जुरत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है। मुसलमान हुकूमतें इतनी सारी मौजूद लेकिन इसके बावजूद काफिरों के गुलाम और बदतरीन गुलाम, किसी में जुरत नहीं है जो काफिर से आंखें मिलाकर बात कर सके, उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हैं और जी हुजूर कर रहे हैं। इस वजह से है कि हम लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, सुन्नतों को छोड़े हुए। बहरहाल भाई, इस हदीस में हजरत ने इस तरह मुतवज्जे फरमाया है कि बद निगाही और दीगर जिनसी गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। उसका क्या तरीका है, उसका क्या इलाज है, अब वो अर्ज करता हूं।
असल बात तो है हिम्मत। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द औरत के अंदर, क्या हर इंसान के अंदर, हर गुनाह से बचने की सलाहियत रखी है, जिसके लिए हिम्मत और इरादा जरूरी है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, चाहे वो ईमान ले आए चाहे ईमान न लाए, चाहे बदनिगाही करे चाहे न करे, चाहे बदजुबानी करे चाहे न करे, चाहे चोरी करे चाहे चोरी न करे, चाहे शराब पिए चाहे शराब न पिए, चाहे झूठ बोले चाहे झूठ न बोले, चाहे गीबत करे चाहे गीबत न करे, इख्तियार है सबको। सबको अल्लाह पाक ने ये कुदरत दी है, सबको अल्लाह पाक ने ये ताकत दी है। और नफ्स शैतान का तकाजा ऐसा नहीं है कि आदमी उसके आगे मजबूर हो जाए। कहीं आपने कभी जिंदगी में अब तक कहीं शैतानों खड़ा हुआ देखा नहीं होगा कि आपको मस्जिद के दरवाजे पर उसने रोक लिया हो, खबरदार जो तुमने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, ये उसने गर्दन मोड़ दी हो कि देख फिल्म और देख ये गुनाह कर, कहीं जोर जबरदस्ती उसकी नहीं है, बस तो दिल में ख्याल डालता है बस। अब ख्याल तो ख्याल है, उसकी तो कोई हकीकत नहीं है, चाहे आदमी उस पर अमल करे चाहे अमल ना करे। तो हिम्मत असल चीज है। अगर आदमी हिम्मत करे तो इस दौर में भी अपनी नजर की हिफाजत कर सकता है, अपने आप को जिनसी गुनाहों से बचाना चाहे तो बचा सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी इस हिम्मत को इस्तेमाल करें, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, जहां भी गुनाह का मौका आ जाए बस अपने आप को गुनाह से बचाएं। फिर दूसरे नंबर पर यह कि नजर फौरन नीची करें, अचानक नजर पड़ जाए तो फौरन हटा लें, अचानक की नजर माफ है, कसदन हरगिज हरगिज न डालें, इख्तियार न डालें न डालें न डालें। लिहाजा नजर को बचाएं और नजर को नीची करके चलने की आदत डालें, और ऊपर भी देखने की जरूरत हो बिलाशुबा देखें, लेकिन अगर गलत जगह नजर पर चली जाए तो फिर फौरन हटा लें। तो तीन काम हो गए। नंबर एक, अपनी हिम्मत इस्तेमाल करें गुनाह से बचने में, खासतौर से बदनिगाही से और इसके दीगर असबाब से, और दूसरे नंबर पे अपनी नजर नीची रखें, कसदन किसी गलत जगह पर नजर न डालें, अचानक नजर चली जाए तो फौरन हटा लें। तीन काम हो गए। चौथा काम ये करे कि दिल में सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह ताला के सामने हूं। यह इतना जबरदस्त मुराकबा है कि बड़े से बड़े गुनाह से भी बचना बेहद आसान हो जाता है। इसलिए कि आम तौर पर इंसान से गुनाह जब होता है जब वो अल्लाह ताला से गाफिल होता है। जब आदमी अल्लाह ताला से गाफिल होता है तो गुनाह होता है, कोताही होती है, गफलत होती है, सुस्ती होती है, लापरवाही होती है। और जब दिल में ये बात राशिख हो, मुस्तहजर हो कि मैं अल्लाह ताला के सामने हूं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, फिर मजाल है जो उससे ही गुनाह हो जाए। फिर किसी के उस्ताद, किसी का शेख, किसी के बाप, किसी के सामने खड़ा हो तो फिर बदनिगाही कर लेगा कोई आदमी, अगर वाकई वो उसका बेटा है, उसका मुरीद है और उसका ताबेदार है तो नजर भी नहीं उठा सकता। तो बाप की और उस्ताद की तो कोई खास हैसियत नहीं है, अल्लाह जल्ला शानू हमारे खालिक व मालिक हैं, अहकमुल हाकिमीन हैं, उनके सामने होने का तसव्वुर यकीनन उसको उस गुनाह से बचने में मददगार होगा। पांचवें नंबर पर यह सोचे कि अगर मैंने इसको ये गुनाह किया तो कल आखिरत में मुझे अजाब भी हो सकता है, कल मुझे इस पर पकड़ होगी मेरी, तो ये आखिरत की पकड़ का खौफ और अंदेशा भी ऐसी बेहतरीन चीज है कि ये बड़े से बड़े गुनाह से आदमी को आसानी के साथ बचा सकती है। बस ये पांच काम है जो आदमी इनके ऊपर अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला बदनिगाही से और जुबान के गुनाह से, हाथ के गुनाह से, दिल के गुनाह से सबसे बचना आसान होगा।
अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से और सब मुसलमानों को इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں زنا اور اسباب زنا سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زنا اور اسباب زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اور بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے کبیرہ صغیرہ جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے خوف کر کیے ہوئے خفیہ کیے ہوئے یا اللہ یا مرتے دم تک جو آئندہ ہم سے گناہ ہم آج ہی آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما سب گناہوں سے ہمیں آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما اور سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب کو یا اللہ ان دعاؤں میں شامل فرما ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے یا اللہ حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان سب سے پناہ کامل عطا فرما یا اللہ عافیت دارین عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اختر سلمان اختر صفوان کو صحت کامل عطا فرما یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تامہ عطا فرما یا اللہ جتنے نیک جن ہم حاضرین کی جتنی بھی نیک حاجت ہیں سب اپنے رحمت سے پوری فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہماری سب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ